मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं 20 साल पहले गरीब था, कारण मैं खुद था, और आज अमीर हूँ, कारण मैं खुद हूँ। अमीर बनना है ये क्लियर होना चाहिए। आरसीएम कैसे किया जाएगा ये सारे सीनियर समझाते हैं, पूरा भारत समझाएगा आरसीएम कैसे करना है, क्यों करना है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा। इस भीड़ में से यहां आना चाहते हो? यस यस यस। चाहते हो? यस। अभी सुनील जी ने बात की, 5 लाख के नीचे कोई इनकम का कोई अर्थ नहीं है आज के इस दौर में, वो कोई इनकम नहीं है। चाहते हो? Yes. मैं फार्मूला दूं? Yes. कुछ नहीं करना, यहां से निकलो, यहां घुस जाओ। एक सेकंड लगा, कितनी देर लगी? क्या लगता है ये गेम आसान है? संभव है, संभव है, आसान नहीं है, पॉसिबल है, इजी नहीं है। करने वालों ने किया है, हो सकता है, होता है, हो क्यों नहीं रहा यह समझना जरूरी है। समझे? Yes. आप किसी जानवर को पानी में फेंकना, किसी भी जानवर को, बिल्ली, खरगोश, कुत्ता, शेर, किसी नहर में, किसी नदी में आप उसको उठा के पानी में डाल दो, क्या करता है वो? पानी के बाहर आएगा? Yes. और बाहर आने का वो अपने आप को झाड़ लेता है। उसका पता है आपको इनडायरेक्ट क्या मैसेज है? क्या बिगाड़ लिया तुमने मेरा? क्या बिगाड़ लिया? मैं अच्छा खासा था, तुमने पानी में डाला, मैं बाहर निकला जैसा था वैसा। ओके ओके। आपको क्या लगता है ये पहली मीटिंग है? हर महीने मीटिंग होती है, हम मीटिंग में आते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर क्या समस्या है? हॉल के बाहर निकलते ये एक्चुअल समस्या है और कोई समस्या नहीं। yes. आपको क्या लगता है जिन रॉयल्टी अचीवर को आज दिखाया गया आपको, या जो टेक्निकल हमारे बीच थे, ये कुछ समय पहले उसी भीड़ का हिस्सा थे? आज के 20 साल पहले दिनेश चौधरी उसी भीड़ का हिस्सा था। फिर आज क्या फर्क है? बस जो हमें समझाना आया 5 साल तक हमने सब अंदर जाने दिया, हमने बाहर जाके उस चीज को झाड़ा नहीं, इसीलिए वो चेयर नहीं, ये स्टेज आज हमारे पास। तो आपके पास भी हो सकता है। तैयार है? मेरे को एक दुख है, दर्द है, मेरे को 20 साल हो गए आरसीएम की मीटिंग ये करते हुए, और भारत का जहां तक तिरंगा लहराता है वहां तक मैंने आरसीएम की मीटिंग की है। दर्द मेरे को इस बात का है कि आरसीएम के लिए लोगों को इतना समझाना क्यों पड़ता है, जबकि यहां पशु पक्षी जल्दी समझते हैं, आदमी बहुत टाइम में समझता है। अगले महीने यहां मीटिंग है। yes. किसकी? अभी लोकल लीडर ही है। हाँ, किसी की है। तो अगले महीने आप मीटिंग में आओगे? yes. तो इस बार समझ में नहीं आया? और हर महीने आते, ये बड़ा सोचने का विषय। क्यों आना है ये आगे बात करते। तो तैयार है 5 ईयर? yes! अच्छा एक विचार करो, आपने अगर आरसीएम नहीं किया तो 27 तो आएगा, या आपने नहीं किया तो नहीं आएगा? आएगा, आएगा, आएगा। किया तो भी आएगा। yes! अकेले में बैठ के अपने मन से पूछना कि अगर मैं 27 तक आरसीएम के साथ नहीं रहा तो क्या होगा, और रहा तो क्या होगा। नहीं रहा तो जो चेयर आपके पास है वो आपके पास है, थी और रहेगी। 27 तक इसके साथ रहे तो वो चेयर नहीं, भारत का हर स्टेज आपके पास रहे। यहां से इसका सफर स्टार्ट होता है। यू सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज करें, मेरा आपसे निवेदन है, सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज करें, तभी आपके आरसीएम की शुरुआत होगी। अब प्रश्न आता है प्रोडक्ट क्यों यूज करें? yes.
क्योंकि इसके प्रोडक्ट 100% यूज करने से आप नेचुरल 10 से 15 साल ज्यादा जियोगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। और ये फैक्ट है, 5 साल का प्लान है। Yes. किसने दिखाया आज उस प्लान को? कहाँ है वैशाली जी? अच्छा मैम, एक बार वेलकम होना चाहिए। बहुत लोग इस प्लान को लेकर कंफ्यूज हैं, आज मैं थोड़ा क्लियर करूं ये 5 साल का प्लान क्या है। Yes. बहुत लोग सोचते हैं ये शायद कंपनियों के प्रोडक्ट नहीं बिकते, जिन कंपनियों के अच्छे प्रोडक्ट नहीं होते वो डायरेक्ट सेलिंग मेथड में उतर जाती हैं। आज एक्चुअल समझते हैं ये प्लान का जन्म क्यों हुआ, ये प्लान किस लिए बना। अभी बहुत टेक्निकल अचीवरों में वो भावनाएं थीं और आपको समझ में आएगा इस प्लान का जन्म क्यों हुआ। आपने कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की, सुनिए। Yes. क्या है वो कहानी? कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। ये कहानी आपने सबने सुनी और यहीं तक सुनी है, जबकि ये कहानी का एंड नहीं है। आज मैं पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ, तब आपको ये आरसीएम समझ में आएगा। जब कछुए और खरगोश की दौड़ हुई तो खरगोश तेज दौड़ा, ओवर कॉन्फिडेंस में था, उसने सोचा वो आराम कर लो, बहुत पीछे रह गया कछुआ। वो आराम करने लगा, खरगोश लगा, कछुआ लगातार दौड़ता रहा और वो जीत गया। ये कहानी यहाँ आपने सुनी और द एंड हो गई, ये कहानी यहाँ से शुरू हुई है। उसके बाद जब वो कछुआ जीत गया तो उसको अपना कॉन्फिडेंस और ज्यादा हो गया, लेकिन खरगोश का ईगो हर्ट हुआ। ईगो हर्ट हुआ कि यार मैं फास्ट था और मैं हार गया। तो उसने कहा रेस एक बार वापस होगी, वापस होगी। तो कछुए को कॉन्फिडेंस था, पहले जीत गए तो अब कौन हरा सकता है। लेकिन इस बार खरगोश ने गलती नहीं की, वो लगातार दौड़ा, खरगोश जीत गया। तो अब कछुए का ईगो हर्ट हुआ। उसने कहा यार ये तो गलत हो गया। उसने कहा भाई रेस एक बार और होगी। तो खरगोश बोलता कितनी बार कर, अब मैं समझ गया रुकना नहीं है। अब मैं समझ गया रुकना नहीं है। लेकिन कछुए ने कहा रास्ता मैं चुनूंगा। उसने कहा कौन सा भी चुन, दौड़ नहीं तो है। लेकिन कछुए ने जो रास्ता चुना वो ये चुना, एक नदी थी आगे जाके इस तरह लंबी और रेस खत्म होनी थी यहां। कछुए को तो इधर से घुसना था, यहां निकलना था, खरगोश को इधर से आना था। जैसी वो नदी के पास पहुंचता है कछुआ घुसा उसके अंदर और अपने स्पॉट पे पहुंच गया। इतने खरगोश दौड़ा तो बहुत तेज लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी, ये हार गया। तो अब खरगोश को बुरा लगा, उसने कहा मेरे को पता था तुम चालाक हो। अब कछुए को ये दुख हुआ कि यार ये हार गया और इसको दुख तो हुआ। तो कछुए ने कहा एक बार रेस वापस करते हैं। खरगोश बोलता आप नहीं करेंगे, अब करना ही नहीं, रिजल्ट आ गए ना। कछुआ बोलता है तू विश्वास करना मेरे ऊपर, जैसा आपकी अप्लाई बोलती है तू विश्वास करना मेरे ऊपर। कछुआ बोलता है तू विश्वास तो कर। बोले नहीं यार ये कब तक क्या होगा, तू कभी मेरा ईगो हर्ट करता है मैं तेरा करता। बोले नहीं नहीं तू एक बार विश्वास तो कर। ठीक है, तैयार हुआ खरगोश, रेस हुई। जैसे ही ये कछुआ यहां आया और अंदर जाने लगा, खरगोश ने कहा था मैं जानता था तू चलाक है। उसने कहा नहीं तू टेंशन मत ले, तू मेरी पीठ पर बैठ क्योंकि तू पानी में नहीं चल सकता। और जब यहां पहुंचा तो कछुए ने कहा खरगोश अब तू मेरे को पीठ पे बैठा क्योंकि मैं यहां नहीं चल सकता, दोनों साथ जीतेंगे, अब ये दूसरे को हराने करने का काम। आप आरसीएम के प्लान के अलावा इस भारत में एक सिस्टम बताओ जो एक दूसरे को हराने में नहीं लगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, हर आदमी एक दूसरे को हराने में लगा है। केवल आरसीएम ही वो सिस्टम है जो हर आदमी एक दूसरे को जिताने में लगा। तो ये है इसका 5 साल का प्लान। 100% प्रोडक्ट इसलिए यूज करना चाहिए, उम्र लंबी जीनी है। क्यों जीनी है? पैसा ज्यादा हो तो उम्र लंबी होनी चाहिए।
आपको पता है इस भारत में कुछ लोग सुबह उठ के एक बात बोलते हैं, इससे तो मेरे को उठा ही ले। ऐसे लोग हैं भारत में। yes, क्या बोलते हैं? इससे तो मेरे को उठा ही ले। मुकेश अंबानी से पूछना उठना चाहते हो, वो पता क्या कहेंगे, मेरी जगह 10 को उठा, इनकी उम्र मेरे को दी और इनके परिवार को 100-100 करोड़ मैं दूंगा। एक आदमी इसी धरती पे जीना नहीं चाहता, एक मरना नहीं चाहता, क्या फर्क है? जीना वो नहीं चाहता, ना तो हेल्थ है ना वेल्थ है। yes. मरना वो नहीं चाहता, हेल्थ भी है और वेल्थ भी है, और ये दोनों देने की ताकत रखता है। yes. दोनों देने की ताकत रखता है। अभी मैं पवन जी से बात कर रहा था कुछ समय पहले, आज भी मैंने चर्चा की। मैं जब जॉब में था, मैं 9x10 के रूम में रहता था, 9x10 फिट। क्यों रहता था? क्योंकि आदमी को सोने के लिए 3x6 की जगह चाहिए, इससे ज्यादा कोई चाहिए? तो 3x6 में मैं, 3x6 में पत्नी, 3x6 में मेरा बच्चा, और एक फिट आने जाने के लिए चाहिए, यही चाहिए। अभी मेरी पत्नी 5वां घर बना रही है, 32,500 स्क्वायर फिट में, कितने में? 32,500 स्क्वायर फिट में। और चाहिए कितनी सोने के लिए जगह? 3x6। अभी जिस घर में वो रहती है वो 3 करोड़ का है, अभी बना रही है 32,500 स्क्वायर फिट में, और लगभग 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो कह रही है मैं इसी में गिरगाय पालूंगी, इसी में ऑर्गेनिक खेती करूंगी। तो मैंने कहा इतना झंझट क्यों? बोले इतना पैसा आ रहा है तो उम्र 100 साल होनी चाहिए ना। उदयपुर में पहाड़ियों के बीच में वो घर बना रही है, उदयपुर से 10 किलोमीटर दूर नेचुरल जगह में, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है। तो पैसा ज्यादा हो तो उम्र लंबी होनी चाहिए, और उम्र लंबी होने का एक ही रास्ता है, सबसे पहले आज प्रतिज्ञा करें 100% प्रोडक्ट की होगी। अभी किसी ने कहा था, आपने भी पुरानी वो कलकत्ता वाली सीडी देखी होगी आप लोगों ने, जो पुरानी थी, उसमें मेरे को देखो और अभी मेरे को देखो, है ना, एकदम अभी अच्छा हूं। yes. मैं 10 साल बाद और अच्छा मिलूंगा। ये आरसीएम के प्रोडक्ट की ताकत है। yes. मेरी एज को आज भी बहुत सारे लोग जज नहीं कर पाते, और मेरी एनर्जी आज भी 25 साल के लड़के से ज्यादा है। yes. आज भी मैं 25 साल के लड़के से रेस लगाने की ताकत रखता हूँ। ये आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है। कई बार मेरा पोता जो है ना, वो दादी के साथ ज़्यादा रहता है, कई बार हम सफ़र में जाते हैं, यूनिक एजुकेशन का प्रोग्राम होता है, अभी अमृतसर था, नासिक था, तो वो साथ रहता है, तो कुछ लोग देख के थोड़ा सा डाउट करते हैं, बोले इस उम्र में तुम, उनको कहते हैं यार तुम गलत समझ रहे हो, ये बेटा नहीं पोता है, 5 साल का है अभी, वो हो गया 5 साल 3 जून को। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनको पूछना, पहले ये बाल 40 साल के बाद सफेद होना शुरू होते थे, अभी 40 तक आदमी कंप्लीट घूमता है, फिर कलर करता है। कलर करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 8 दिन में पोल खुल जाती है, तो यार नहीं है, वो तो साइड से झांकता है, वो समझ जाता आदमी ये तो आर्टिफिशियल है, और उसमें केमिकल आता है, करना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त के साथ अभी मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा आ गए तो आने दे, बोला नहीं नहीं अभी मैं 28 साल का हूँ यार, अच्छा नहीं लगता इनकम टैक्स में। मैंने कहा मान जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आ गए तो आ। तो उसने ऑनलाइन विदेश का कुछ मंगाया, विदेश से कोई कलर, अभी आवश्यकता नहीं पड़ती उसको कलर की। समझ गया? वो लगाया उसने, और जैसे ही शॉवर के नीचे गया पाल गए, तो उसको ऐसा लगा यार तेज लग रहा है पानी, तो फिर हाथ घुमाया तो वो बाद में इकट्ठा कोने में दिखाई दिया, अब वो कैप लगाता है कैप। तो मेरा आपको सजेशन है, कलर मत यूज करो, व्हाइट हो गए तो ये ब्लैक तो नहीं करेगा, लेकिन अब व्हाइट नहीं होने देगा। ये आरसीएम के प्रोडक्ट की ताकत है, ये मेरे नेचुरल है, ओरिजिनल है और नेचुरल है, और मैं अपनी जिंदगी के 53 साल पूरे कर चुका हूं, 53 ईयर।
तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज करें। आज आपको पता है भारत को बीमारी का देश माना जा रहा है दुनिया में। हॉस्पिटल में भीड़ लगी है, हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत के आदमी का डाइजेशन बिगड़ा हुआ है। सबसे पहले हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल खाना शुरू करो। मेरा आपसे पर्सनल सजेशन, आज आप देखो भारत के 60% लोग ओवरवेट हैं। किसी का पेट यहां, किसी का यहां, किसी का यहां, किसी का तो इतना आगे कि उसको ले जाके चाय दो तो अलग से टेबल नहीं देना पड़ता, इधर ही रख के पीता है। और उसको पूछो ये क्या है तो पता क्या बोलता है, खाते पीते परिवार से है। बोले ये इसका पेट तो अंदर है, बोले ये कुपोषण का शिकार है। ग्रेटर नोएडा में जो एक अच्छा डॉक्टर हो उसकी फीस आज मेरे से लो, उसको सिर्फ इतना पूछना मेरा पेट बाहर है क्या होगा, वो एक ही बात कहेगा, इस दुनिया से 20 साल पहले जाएगा। और आज आपको पता है आपके परदादा जी एवरेज 100 साल जिए, दादाजी 90, पिताजी 80, आपके बारे में सरकार 60 बोल रही है। ये सरकार का कहना है 60 जी लो सौभाग्यशाली समझो, और डॉक्टर कह रहा है 20 साल पहले जाएगा। 40 कितना? 40 तो इधर लेने क्या आया था? क्या करना आया यहाँ फिर? 40 पूरे कर दिए। डाइजेशन, यू नो डाइजेशन, पाचन क्रिया, पाचन क्रिया, दिनचर्या। पता है डाइजेशन आज कैसा और कैसा होना चाहिए, समझे थोड़ा? डाइजेशन ठीक होने का अर्थ क्या है? सुबह उठे, पानी पिया या नहीं पिया, बाथरूम की तरफ रेस लगा दी और 3 से 5 मिनट में बाहर आ गए तो आपका डाइजेशन ओके है। और ये इंडिया में 20% लोगों का है। 80 का कैसा है पता है? समझे? उठा, पानी पिया, फिर बाथरूम को देखता, फिर 5 मिनट बाद पत्नी बोलता चाय बनाओ, चाय, चाय बनाओ, चाय पी, थोड़ा घूमता है, फिर 5 मिनट बाद एक कड़क बनाओ, कड़क आज पता नहीं क्या, कड़क बनाओ, आधी बनाना लेकिन कड़क बनाओ, वो चाय भी पी ली। फिर जब कुछ नहीं दिखता तो वो बाथरूम भी उसको यही बोलता है, मैं भी यही सोच रहा हूं तू आएगा कब। और जब ये चला जाता है फिर निकलता नहीं, वो बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाता है, वो इसका दरवाजा बजा, ओ पापा बाहर निकलो, बाहर निकलो। बोले जब से मैं बाहर था तो तुम्हें समझ नहीं आया अंदर आना। ये 80% लोगों की स्थिति है। और अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो आज प्रतिज्ञा लें कि 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं नहीं करें तो क्या फर्क पड़ेगा, हम सब यहां क्यों आए? पैसे के लिए आए? ये कड़वा सच है। तो इसको हम लक्ष्मी बोलते हैं। लक्ष्मी का मुंह घर के अंदर होना चाहिए या बाहर? अंदर, घर के अंदर, घर के अंदर। बार बार अप्लाई बोलता है 100% प्रोडक्ट यूज करो, नहीं सुनता। आज के बाद आपकी इच्छा है करना या नहीं करना, पर आज समझे क्यों करना चाहिए 100%। लक्ष्मी का मुंह घर के हमेशा अंदर होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, शनि महाराज और लक्ष्मी जी में थोड़ी डिस्कर्स होगी सुंदरता को लेके। लक्ष्मी बोलती थी मैं सुंदर हूं, शनि महाराज बोलते थे मैं सुंदर हूं। तो वो डिस्कस करते लड़ पड़े। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं सुंदर हूं तुमसे। शनि महाराज बोले कैसे सुंदर हो? बोले दुनिया मेरी पूजा करती है।
तो शनिवार आज बोले मेरी भी करती है।